भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन की नाशत विघ्न हरि बुद्धिहीन तनु ज्ञान के सुमिरो पवन कुमार कमल सदा जोरी जुग पान सियारा सदा जोरी जुग पान राधे श्याम सदा जोरी जुग पान सियारा राधे श्याम जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनंत जय दिवादरायण चरण करहु मोहि जग धन्य ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविर आविर भव वज्रनख वज्रधनुष कर्माशयान रंध्रय रंध्रय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षौं बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री युगल बिहारी सरकार की श्री हनुमंत लाल की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित जी महाराज की वल्लभाधीश की श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की गौ माता की बस्ती माता की श्री दासी श्याम भगवान की ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री नरसिंह भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नारायण 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 नारायण। अभी बड़े प्रेम भाव के साथ में गोविंद देव जी महाराज की स्तुति और उसके बाद में कथा गंगा में हम सब प्रवेश करेंगे। आइए बड़े प्रेम से ओम सुरभ्यै नमः श्री गोविंद देवाष्टकम् दिव्याति दिव्य तडिदंबर शोभमानं राधा मनोहर मुख स्मित मोदमानं गोपाल बाल ललना परिसेव्यमानं गोविंद देव मनिषं मनसा स्मरामि श्रीमत् प्रजेन्द्रस्य गृहे
एवं मनसा स्मरामि। नन्दागणस्थं श्रुतिसार सारं गो गोपवृन्दावन वर्णपालं कंसादि दैव्यो धरणाप्लुतं गोविन्ददेवं मनसा स्मरामि। हर्तुं बृहन्तं नवनीतकुम्भम् प्रकोपात् भयभीतनेत्रम् मिथ्यापमिथ्या कथितं किशोरम् गोविन्ददेवं मनसा स्मरामि। गङ्गाधरेणा गहरं प्रणीतम्
यस्येवमीष्ट फलम लभेत् स गोविन्द देवस्य कृपा विशेषा। इति गंगाधर पाठक विरचितम् श्री गोविंद स्तोत्रम् संपूर्णम्। श्री राधा गोविंद चरण कमलयोः। भगवान के राधा गोविंद के चरण कमल में ये समर्पित नारायण 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 नित्य नित्य सौभाग्य नित्य नित्य नव दिन, कोई दिन पुराना नहीं होता। हर दिन भगवान की कथा नई, हर दिन संत दर्शन। आपका स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण आप विलंब से आए। निमंत्रण तो दिया था पहले, हमने कहा कि महाराज आपकी अवस्था तो ऐसी नहीं है, आपको तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब तो नौजवान नई पीढ़ियों के ऊपर यह दायित्व तो बनता है कि धर्म को किस प्रकार आगे बढ़ाकर के ले जाना है। कल की कथा प्रसंग में भगवान की परम पावन लीला श्री गिरिराज लीला वर्णन करी। इस लीला की संगति पर यदि ध्यान दें तो एक प्रश्न मन में कौतूहल करता है कि जो अपराध करता है उसको दंड भोगना पड़ता है, परंतु यहां तो यदि देखा जाए तो अपराध इंद्र ने किया था, लेकिन इंद्र को दंड दिख नहीं रहा। स्पष्ट रूप से देखें तो कष्ट ब्रजवासियों को झेलना पड़ा, घर बार छूट गया। भगवान को अपनी कनिष्ठिका पर गिरिराज धारण करना पड़ा, और एक दिन नहीं पूरे 7 दिन और रात। अब प्रश्न यह है, बाद में इंद्र ने चरणों में प्रणाम करके कह दिया आई एम सॉरी, गलती हो गई। इंद्र को भगवान ने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, बस इतना ही कह दिया कि हे इंद्र हे शक्र, स्वर्ग में जाकर के मेरी अनुशासन में रह करके स्वर्ग का शासन करना, नहीं तो तुमको हटा करके दूसरा इंद्र बना दिया जाएगा। आप ये ना समझे कि यहीं पर ट्रांसफर होते हैं, वहां भी होते हैं, वहां की भी काउंसिल है। लेकिन गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम में अनुशासनम, में अनुशासनम, मेरे अनुशासन में रह करके स्वर्ग का शासन करो। लेकिन एक प्रश्न, इंद्र को क्या दंड हुआ? जब हम लॉजिक की बात करते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इंद्र के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ था? अपराध तो इंद्र ने किया है। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज यहां कहते हैं कि इंद्र को ही दंड मिला है, दिख नहीं रहा। बोले कैसे? बोले हर इंद्रिय का अपना एक मालिक होता है, हर इंद्रिय का। आंखों का मालिक सूर्य और चंद्र है, दांतों के मालिक यमराज हैं, ऐसे ही हाथ का मालिक इंद्र है। दुनिया को दिखाई दे रहा है कि भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर हाथ पर यह गिरिराज उठाया, लेकिन दिखने में कृष्ण का हाथ लग रहा है। यथार्थ तो यह है कि इंद्र के सिर पर भगवान ने गिरिराज रख दिया, और 7 दिन 7 रात इंद्र के मूड पर गिरिराज रखा रहा। इंद्र रो रहा है, चिल्ला रहा है, भगवान छोड़ नहीं रहे। भगवान कहते हैं बच्चू राम गलती करिए तो दंड भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, भोगो दंड के लिए। रोते 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 7 दिन बीते, इंद्र का विमान चूर्ण हुआ, इंद्र सरेंडर हो गया। पाही माम त्राही माम पाही माम त्राही माम, रक्षा करो मर जाऊंगा। जब ऐसे सरेंडर हुआ तो भगवान ने शरणागत की रक्षा करी है।
तो दंड तो इंद्र को मिल गया। शनि की दशा किसी के ऊपर अगर आ जावे तो या तो उठाती है या गिराती है, दोनों ही करती है। हनुमंत लाल के ऊपर एक बार शनि की दशा आई, हनुमंत लाल के ऊपर। हनुमान जी बैठे राम नाम जप रहे, अब विचार करो बेचारे राम नाम जपते हुए हनुमान जी के ऊपर शनि की दशा काहे को आ रही है, इनको व्यापार क्या करना, ब्याह हुआ नहीं, ब्रह्मचारी है। आ गए शनि देवता सामने खड़े हो गए, हनुमान जी हम आ गए, बोले आपका स्वागत है, आप मेरे गुरु जी के पुत्र हैं, कैसे आगमन हुआ? बोले आपकी कुंडली में अब हम आ गए हैं। हाँ मतलब नवग्रह में एक हम भी हैं और हर किसी की कुंडली में ग्रह गोचर होता है, अब हमारी आई है 7.5 साल के लिए, 7.5 ही। हनुमान जी ने कहा तो आप खाना पीना खाएं, जो आपको भोजन पानी करना है आपका वेलकम है, आप कहां भी राजेंगे, कुर्सी पर, सोफा पर, जमीन पर? बोले नहीं हनुमान, बोले फिर, बोले तुम्हारे मूड पर, सिर पर। हनुमान जी ने कहा ये कौन सी जगह रही? बोले हम जब आते हैं तो मूड पर ही चढ़ते हैं। हनुमंत लाल ने कहा गुरु पुत्र हैं तो मूड पर ही सही, आइए महाराज स्वागत है आपका, कितने साल के लिए विराजेंगे? बोले 7.5 साल। बैठ गए सर पर, अब जैसे ही बैठे तो हनुमंत लाल पे क्या फर्क पड़ेगा। हनुमान जी कूदते फांदते गए और जाकर के एक बड़ा विशाल काय पहाड़ लिया और पहाड़ को लेकर के हिलाया। शनि देवता कह रहे हम मूड़ पर चढ़े हो, तुम ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा रोज की हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहाड़ को हिलाते हिलाते उखाड़ा और उखाड़ करके सीधा यूं शनि देवता सोचे हे भगवान मूड़ पर मैं चढ़ाई हाथ पर पड़ा, कहीं ये गिर पड़ा तो मेरा क्या होगा? वो हनुमान जी ने गिराया नहीं, केवल रख लिया। जो रखा तो शनि पिसने लगा, बोले मर रहा हूं हनुमान जी। बोले अरे महाराज बैठे रहो, ये तो हमारा रोज का ही काम है। अरे महाराज पहाड़ तो हटा दो, मर जाऊंगा। बोले पहाड़ हटने वाला नहीं है। बोले कब तक रहेगा? बोले जब तक आप मूड़ पर बैठे रहेंगे तब तक पड़ा ही रहेगा। तो बोले महाराज 7.5 साल तक मूड़ पर बैठे रहे तो तब तक पड़ा रहेगा? बोले महाराज तब तक ही रहेगा, हम तो राम नाम जप रहे हैं, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी के मूड़ पर पर्वत, शनि देवता नीचे पिसने लगे, कहते हनुमान जी मेरे 7.5 साल अभी पूरे है गए, हटाओ यहां पर्वत के लिए मेरे लिए। हनुमान जी ने लेकर पर्वत को नीचे रखा, शनि देवता चरणों में गिर पड़े, बोले आप मेरे गुरु के पुत्र हैं। हनुमान जी ने कहा मुझे प्रणाम मत करो। बोले हनुमान मेरी गलती हो गई, जो तुम कहो मैं करने को तैयार हूं, मैं दुनिया पर जब चढ़ता हूं तो उसकी दशा की दुर्दशा बना देता हूं, लेकिन हनुमान ये राम नाम का प्रभाव है कि दुर्दशा बनाने वाले की भी तुमने दुर्दशा बना डाली, आज तुमने शनि की दुर्दशा बना डाली। हनुमान दुनिया में मंगलवार तुम्हारा दिन होगा, लेकिन आज से शनिश्चर शनिवार भी अपना तुम्हें दे करके जा रहा है, इसलिए हफ्ते में हनुमान जी के 2 बार हैं, मंगल भी और शनि भी है। और हनुमान जी ने कहा एक बात और, राम नाम जपने वाले के जीवन में कभी आना नहीं और आओ तो प्रभावहीन बन के रहना। हनुमान जी की बात सुनकर शनि ने कहा महाराज जो राम नाम लेगा उसके जीवन में कभी नहीं। और यही बात है कि जब शनि के मूड पर गिरिराज रखा तो शनि की हालत खराब हुई, उधर भगवान कृष्ण ने जब इंद्र के मूड पर गिरिराज रखा तो इंद्र की हालत खराब हुई, लेकिन इंद्र के अंदर सहन करने की शक्ति थी। शनि तो एक देव मान लो नवग्रह में, और इंद्र जो है वो तो देवताओं का राजा है, इसलिए शनि देवता तो थोड़ी देर भी ना झेल पाए। इंद्र ने 7 दिन तक जो झेल लिया और 7 दिन बाद सरेंडर हो गया। इस लीला को हम समझें, कार्तिक सुदी पड़वा को गिरिराज का पूजन हुआ है और दोज के दिन भगवान अपनी बहन के यहां टीका कराने के लिए गए, वहां को नाम भैया दोज। भगवान के सखा खूब टीका भय और माल खा रहे, बोले कन्हैया आज तो बड़े बड़े पकवान खाने को मिल रहे हैं, कारण क्या है? बोले आज भैया दोज है तो बहन खिलावे। अच्छा 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 जी, बहन भैया दोज के दिन मिठाई खाने को मिलती है, बहन खिलाती है, आह बहुत बढ़िया। कन्हैया भगवान कृपा करे तेरी लाला 365 बहने हैं जामे, हर दिन खाने को मिले चकाचक। भगवान ने कही अरे मधुमंगल
एक बहन संभले ना है तो 365 बहनन की बात कर रहे हो, तो जितनी मिठाई खानी है एक बार में खाई लियो, लेकिन बहन बढ़ाइयो मत, अब जितनी है गई उतनी ठीक है। तीज तृतीया इंद्र ने वर्षा करी है और भगवान ने तीज से लेकर के नौमी तक 7 दिन गिरिराज को उठाया है। सात को उस गिरिराज को 7 बरस की श्याम, 7 दिना कर पे धरो तो पायो गिरिधर नाम। बोली गिरिधर भगवान की। दशमी के दिन इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी है, एकदम पराजित हो गया है, कहा प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें, आपका अभिषेक करना चाहता हूं। दशमी के दिन इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, उसका नाम गोविंदाभिषेक। एकादशी को नंद बाबा ने व्रत किया। जीवन में व्रत जरूर करो, हाँ, अगर पेट को शरीर को स्वस्थ रखना है तो व्रत फलाहार जरूर करो, फलाहार नॉट फुलाहार, फलाहार अल्पाहार। आजकल के लोग पहली बात तो व्रत करते नहीं, और करने की अगर कह भी दी जाए कि महाराज एकादशी तो शुरू करो, तो दशमी की रात को इतना ठूस ठूस के खा लेते हैं, कोई बोले इतना काय को खा रहे हो, बोले कल एकादशी है, और एकादशी भी आती है तो फिर कैसे खावे मालूम है। सुबह उठे तो कॉफी तो हमें पता लग गई, अब कॉफी तो प्रश्न ही नहीं है, हालांकि बहुत टाइम से 11 में कॉफी नहीं पीनी चाहिए, एकादशी नहीं पीनी। अब महाराज वो खामे तो कैसे, थोड़े से वो चिप्स बनाए लिए आलू के, वो खाए, थोड़ा सेब खा लिया, फिर थोड़ी देर में पपीता खा लिया, फिर थोड़ी देर में चीकू खा लिया, फिर समय आ गया पापड़ की पूड़ी खाने का, तो पापड़ की पूड़ी आलू की सब्जी खा ली, और उसके बाद महाराज मौसमी का जूस पी लिया, उसके बाद महाराज संतरे का जूस पी लिया। किसी ने पूछा आज क्या है, बोले आज एकादशी है। ये एकादशी के द्वादशी की नानी है, पल पल में खाओ। कुछ काम ऐसे हैं जो करने से व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। कौन से काम है, बार बार पानी भी यदि आप व्रत में पीते हो तो भी व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। असकृत जल पानाच, पान खाओगे तो भी व्रत का फल नष्ट हो जाएगा, तमाकू खाओगे तो भी व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। असकृत जल पानाच सकृत तांबूल भक्षणात्, और दिन में सोओगे तो और संसार के विषय भोग भोगोगे तो व्रत का फल नष्ट होना ही होना है, और दिन में सोओगे तो। असकृत जल पानाच सकृत तांबूल भक्षणात् व्रत भंगो विजायेत दिवा स्वापाच मैथुनात्। दिन में सोने से भी और संसार के विषय भोगों से भी। नंद बाबा ने विशुद्ध एकादशी का व्रत किया। देखो कभी भी कोई व्रत का पारण करे, एकादशी व्रत का पारण, एकादशी कौन सी करनी चाहिए, द्वादशी प्रधान एकादशी करने का विधान है, दशमी विद्या एकादशी नहीं करनी चाहिए। दशमी से युक्त जो एकादशी है वो नहीं करें, द्वादशी प्रधान एकादशी करें। ये समझ में आ रहा है, आ गया, पत्नी से पूछ लेना, उनको आ गया। दशमी विद्या एकादशी नहीं, द्वादशी प्रधान एकादशी करें, एक बात। दूसरी बात, पारण करने का समय आवे उसमें भी विशेष ध्यान रखे, दशमी से युक्त नहीं द्वादशी से युक्त ही होगा। नंद बाबा ने एकादशी का स्नान करने का विचार किया, तो द्वादशी को स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन अंधेरे में पता नहीं चला, सुबह 4 बजे की जगह वो रात्रि में ही चले गए। रात्रि में कभी भी देव नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करें, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण, वरुण के अनुचर जल में विचरण करते हैं, तो रात्रि में स्नान निषेध है। कोई पूछता है कि अगर पर्व आ गया हो तो, जैसे चंद्र ग्रहण का पर्व हो, तब गंगा आदि में स्नान करना चाहिए कि नहीं।
शास्त्र में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। रात्रि में स्नान करना तो निषिद्ध है ही है। परम पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर रामायणी जी अयोध्या के, उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा कि रात्रि में स्नान करने का भी वर्णन नहीं मिलता शास्त्रों में। महाराज ऐसी विलक्षण विद्वान रहे हैं, वे भी अद्वितीय विद्वान। दास को अपने गुरुदेव की कृपा से 9 दिन की उनकी रामायण और 15 दिन की उनकी भागवत सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, आप उस समय वहीं थे। वाह, क्या कहना, अद्भुत महाराज। इतने कैसे विद्वान थे, उनकी विद्वता की एक झलक इतनी सी बता दूं कि जब वो कथा करते थे तो बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता वे सब के सब ग्रंथ लेकर नीचे बैठते थे। आप सोचिए ऐसे विलक्षण विद्वान। और हमारे दादा गुरुजी और उनकी मैत्री रही है, मैत्री। कई बार उन्होंने कथा में उनका उल्लेख भी किया और दादा गुरुजी भी उपस्थित वहां रहे। आपके राघवाचार्य जी महाराज भी उपस्थित रहे थे उस कथा में नारायण। तो रात्रि में स्नान नहीं करे और उन्होंने रात्रि में स्नान किया तो वरुण के अनुचर यक्ष पांव पकड़ करके खींच करके ले गए नंद बाबा को वरुण लोक में। हाहाकार मच गई। तब भगवान कृष्ण ने ध्यान किया, वरुण लोक में भगवान द्वादशी को गए और वरुण ने क्षमा मांगी है, अर्घ दिया पैरों में, चरणों में अर्घ दिया। और उसके बाद भगवान ने कहा हमारे बाबा को लेकर के आए, गलती करी, त्रयोदशी को नंद बाबा को लेकर के भगवान आए हैं। आज नंद बाबा ने अपने लाला की पूजा होते हुए देखी, ऐसी भारी पूजा होते हुए देखी कि सबको कह दिया कि बालक कन्हैया दिखने में बालक है लेकिन भैया ये तो नारायण है। जिस जिसने गलती कर ली हो वो क्षमा मांग ले। देखो नंद बाबा जिनके द्वारा भगवान का जन्म यशोदा मैया के गर्भ से हुआ है, वे नंद बाबा भी भगवान को बालक मान के ही चल रहे हैं। लेकिन आज जब देखा पूजा होते हुए, अर्चन होते हुए नारायण के समान, विष्णु अध्यात्म दीपह, तो महाराज उसके बाद में तो नंद बाबा को कहना पड़ गया कि ये बालक साधारण नहीं है, स्वयं नारायण है। जिसने अपराध किया हो वो क्षमा मांग ले। आज सखा आ गए कन्हैया के। अब देखो मैं जो कल कह रहा था उस बात पर विचार करना, दुनिया के लिए वो भगवान हो लेकिन अगर कोई आकर कह दे ब्रजवासियों से कि ये भगवान है, हमारे सखा आज भी ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं मानते, सखा मानते हैं। आज भी इतना मालूम पढ़ने के बाद भी कि कृष्ण नारायण है, मधुमंगल किंकणी सुबल आदि सखा आते हैं कन्हैया के गले में हाथ डालते हैं, कोई हो सकता है? ये जानने के बाद भी कि ये भगवान है, गले में हाथ डालते हैं, गाल को खींचते हैं, क्यों रे कन्हैया तू नारायण है लाला, ओहो आज तो हमें पतो लग गई भैया तू नारायण है। अब एक काम कर, जब पतो ही लग गई है अपना बैकुंठ हमें दिखाई दे। कन्हैया बोलो भैया मैं नारायण वारायण नहीं हूं, तुम्हारो सखा हूं। ए हम सब जाने तो बैकुंठ दिखा रहे हो कि पटकी मारे हैं कहीं पे। जैसे आप ये समझ लो अपना कोई सखा, अपना कोई क्लासमेट साथ में पढ़ा हुआ, वो बचपन से नर्सरी से लेकर के और स्कूल की पढ़ाई तक, कॉलेज की पढ़ाई तक साथ में पढ़ा हो और बाद में अपने अपने अलग अलग दिशाओं में निकल गए हो और 10 साल बाद वो प्रधानमंत्री बन जाए, 10 साल बाद वो प्रधानमंत्री बन जाए और उसके मित्रों को पता चल जाए, तो दुनिया के लिए प्रधानमंत्री होगा, हमारे लिए तो लंगोटिया यार है वही, हमारा तो मित्र है। तो वो मिलेंगे तो उस मित्र भाव से ही मिलेंगे। अगर साधारण मिलन भी इस प्रकार का हो सकता है तो भगवान का माधुर्य मिलन तो वह अलौकिक अपने आप में ही होगा, उसकी तुलना किससे की जा सकती है। भगवान लेकर के गए सखाओं को बैकुंठ का दर्शन कराने,
जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो चार हाथ के शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सीधे लक्ष्मी के साथ जाकर के विराजमान है गए। हाथ जोड़कर देवता स्तुति कर रहे हैं, महाराज शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान की स्तुति करें। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, आज अलग अलग स्तोत्रों से सखाओं ने देखा वे लेकर नहीं आया, ये कोई मतलब है? हमें बैकुंठ बुलाए करके दर्शन कराने के बहाने और तू ऊपर जाए के सिंहासन बैठ गए, सखा ऊपर चलवे लगे द्वार पर गए नीचे रहो। अरे भैया ये हमारा सखा है, हमारा मित्र है, सखा है ग्वार वारी है, चल नीचे उतर, यहाँ कोई सखा नहीं है। हाथ जोड़ के स्तुति करो, तमेव माता च पिता तमेव, नीचे गले में हाथ डाल रहे हो सखा कह रहे हो और ऊपर आए के तमेव माता च पिता। सखा रोवे लग गए, बोले कन्हैया ऐसो बैकुंठ पाए करके लाला हम कहा करेंगे, ऐसे बैकुंठ को कहा सुख है, हमें तो जो सुख ब्रज में मिल रहे है कन्हैया वो बैकुंठ में नहीं है लाला, बैकुंठ में तमेव माता कह करके तुम्हें हाथ जोड़ने पड़े, ब्रज में आओ तो तुम्हारे गलवैया में हाथ डाल करके हम साथ में चलो करें कन्हैया, हमें बैकुंठ नहीं देख लो। भगवान ने बैकुंठ को दर्शन करवाया इनके लिए, बाकी बात रोवे लगे सखा तो भगवान लेकर के आए। जा दिन बैकुंठ को दर्शन कराया, वहां को नाम बैकुंठ चतुर्दशी पड़ गया। बोलिए बैकुंठ चतुर्दशी पर्व की। सखांत भगवान ने कही चोरे अब चलोगे बैकुंठ? बोले कन्हैया एक बात तो ते निवेदन करे। बोले बोलो। अब ब्रह्मा ते तू मिले कभी तो कह दियो एक बात। बोले क्या कहनी है? बोले जो पल हमारो बैकुंठ को निकलो है ब्रह्मा जब मिले तो कहना उतनों पल हमारी आयु से निकाल करके फेंक देवे बाहर। क्यों? बोले कन्हैया जो पल तो भगवान मान करके बिताने पड़े ऐसे पल तो हमारी जीवन की आयु से निकल जावे। कन्हैया जन्म जन्म मिले तो हम तेरे सखा बन करके आवे, तेरे संग बैठवी वाली मित्र बन करके आवे, तू भगवान और हम तेरे दास नहीं बनना चाहवे, हम तो मित्र भाव में ही आनंद ले रहे, सख्य भाव है। भक्ति के प्रेम के पांच भाव हैं, इसको रस भी कहते हैं, पांच रस भी कहते हैं, इसको पंच भाव भी कहते हैं। कौन कौन से पांच भाव हैं? एक भाव का नाम है शांत भाव, शांत भाव वो कौन सा है? और जो मैं कहूंगा आपसे वो उत्तर उत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ है, उत्तर उत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ है। शांत भाव कौन सा? नेत्र बंद करके बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, ये शांत भाव, ठीक। शांत भाव से भी श्रेष्ठ है दास्य भाव। आजकल के लोग जो मेडिटेशन करते हैं वे इसको सबसे बड़ा मानते हैं। कोई बोले राम राम जप लो, भगवान का नाम जप लो, अरे ये तो सेकेंडरी चीज है। अगर राम नाम जपना भगवान नाम जपना सेकेंडरी चीज है तो शंकर से बड़ा योगी कौन होगा? विचार करके देखो, शंकर से बड़ा कोई योगी होगा? शंकर से बड़ा कोई योग जानने वाला होगा? लेकिन शंकर तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपत अनंग अराती हस्तेक्षमाला हृदि कृष्ण तत्वम जिह्वाग्रभागे वर कृष्ण मंत्रम य नमस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। शिव से बड़ा योगी कौन होगा? और शिव के ही अपने अंश हनुमान से बड़ा कौन सेवक होगा, दास होगा? वो भी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमंत लाल आकर के विराजते हैं। अगर ये भी शांत भाव से ऊपर उठे हुए और कौन सनकादिक कुमारों से बड़ा कौन होगा? ब्रह्मा की पहली सृष्टि प्रारंभ हो रही है सनकादिक कुमारों के माध्यम से, वो भी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इति वचः।
यही वाणी से निरंतर निकल रहा है। तो शांत भाव ये ध्यान वाले भाव से श्रेष्ठ है दास्य भाव। कलिकाल में तो क्या कहा जानते हो, कलिकाल में तो यहां तक गोस्वामी जी ने कह दिया, इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन है ही नहीं, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। यही कलिकाल ना साधन दूजा, जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर जपत मंगल दिसी दसऊं, नाम जपत मंगल दिसी दसऊं, मंगल दिसी दसऊं, मंगल दिसी दसऊं। आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में जपो, चेतना में जपो, नाम जपो, वो दसों दिशाओं में मंगल करने वाला है ई नाम की। तो शांत भाव से ऊपर है दास्य भाव। क्यों चुप चुपचाप बैठे हैं? रामू अचानक आ जाए, रामू माने बाबा चलो पहले भोजन करो, तो रामू की बात टाली नहीं जाएगी, क्योंकि कंधे पे बैठा के स्कूल तक ले गया है, कैसे टालोगे उसकी बात? पुराना सेवक है, आज बच्चों को ले जा रहा, पुराना है, तो रामू की बात माननी पड़ेगी। तुरंत ही अच्छा रामू काका लो, भोजन की थाली लगने वाली ही थी, दास्य भाव से ऊपर सख्य भाव। सखा आ गया, राहुल हां चलना, भोजन चलना बाद में आएंगे, चले बाद। सखा ने आवाज लगाई, रामू काका बाद में खाऊंगा। अरे बाबा दो रोटी तो खा के जाओ, रामू काका बाद में, तुरंत चला गया। सखा के आने पर वो दास्य भाव से ऊपर सख्य भाव, और सख्य भाव से ऊपर वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव सख्य भाव से भी ऊपर है। क्यों? सखाओं के साथ खेल रहे हैं, अम्मा आवाज लगा रही है, राहुल राम राम इधर आओ। भोजन करत बैठ जब राजा नहीं आवत, तजी सखा समाजा, और कौशल्या जब बोलन धाई, तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या ने आवाज लगाई राम, और राम जी सखाओं को छोड़कर भागे, मैया मारेगी। तो सख्य भाव से भी ऊपर वात्सल्य भाव, और वात्सल्य भाव से ऊपर श्रृंगार भाव। श्रृंगार भाव का मतलब जब पति पत्नी एकांत में बैठे हों, तो वहां मैया बाप का भी प्रवेश नहीं है, हो गया। इस भाव से ऊपर भी एक और भाव है, ये श्रृंगार भाव भी हम लौकिक दृष्टि से देखें तो अलग, पति पत्नी का भाव, और इससे ऊपर का भाव है, उसका नाम है माधुर्य भाव। ये ब्रज की गोपांगनाओं का भाव है। ये कैसा भाव है? श्रृंगार भाव में प्रेम रस और काम रस दोनों होता है, क्योंकि काम लीला में काम सूत्र में श्रृंगार का भी वर्णन किया गया है। काम सूत्र में श्रृंगार का वर्णन है, इसलिए श्रृंगार रस में काम भी है और प्रेम भी है।
लेकिन जब माधुर्य भाव की बात आएगी तो उसमें काम का लेश नहीं है, विशुद्ध प्रेम तत्व है। क्या अंतर है काम और प्रेम में? क्रिया दोनों की एक जैसी। अब लीला आ रही है विशुद्ध प्रेम की, लीला माधुर्य लीला की कथा। महारास वैकुंठ चतुर्दशी के बाद आ गई पूर्णिमा, आ गया महारास का पर्व। महारास लीला का एक और नाम है, क्या नाम है? काम मद भंग लीला। जैसे ब्रह्मा वाली लीला का नाम है ब्रह्मा मान भंग लीला, गिरिराज लीला का नाम है ब्रह्मा मोह भंग लीला, इधर इंद्र मान भंग लीला और इधर काम मान भंग लीला, ये महारास लीला का नाम। काम को अभिमान हो गया, अभिमान हो गया। क्या अभिमान हो गया? कि अब हमसे जीतने वाला कोई नहीं है। काम ने कहा कि मैंने सबके हृदय को मसल दिया है, सबके हृदय को मथ दिया। काम का बुखार जब चढ़ता है ना, काम का ज्वर जब चढ़ता है तो हृदय को मसल देता है। फिर व्यक्ति आपे में नहीं रहते। अरे इंसान की छोड़ो, जब जब काम शंकर जी ने भस्म कर दिया अपने तीसरे नेत्र से, तब रति रोती है कि मुझे तो मेरा पति चाहिए। शंकर जी ने कहा कि देख अब हो गया। बोले देवताओं की सहायता के लिए गए थे, परोपकार के लिए गए थे, परोपकार के लिए देह नष्ट कर लिया, क्या परोपकार करने वाले की यह दुर्गति होती है? शंकर जी ने कहा हो तो गया, अब एक काम करते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूं आज से काम सबके हृदय में रहेगा। हाँ, और तुलसीदास जी पंक्ति लिख रहे हैं, सबके उर सबके मन मन सिज हरे। सबके मन को कामदेव ने मसल दिया एकदम। अरे मन को किसको, अरे कहां तक कहें, स्त्री पुरुष रमण कर रहे हैं, लता लता पत्र बेल पत्र आपस में रमण कर रहे हैं, तालाब संगम करही तालाब तलाई, ये भी संगम करने में लग गए महाराज, सब एक दूसरे से रमण करने में लग गए हैं। चारों तरफ काम ने अपना परचम लहरा दिया। अब तुलसीदास जी ने लिखा तो सही, कलम चल गई, सबके मन मन से हरे। अचानक ही हनुमंत लाल बैठे गदा लेकर, क्या लिख दिया तुमने? बोले गलती हो गई, कलम तो चल गई, अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? अगर सबके मन को कामदेव ने पकड़ लिया तो सनकादिक कुमारी जैसे ब्रह्मचारी कहां जाएंगे? सनकादिक कुमारी जैसे ब्रह्मचारी कहां जाएंगे? हनुमान जैसे ब्रह्मचारी कहां जाएंगे? अगर सबके मन को कामदेव पकड़ लेगा तो कौन बचा? कोई बचा नहीं, सबके मन मन से जहरे। तो हनुमान जी ने कहा हटो तुलसीदास, आगे की पंक्ति को सूझ रही हो? नहीं सूझ रही, हम लिख रहे हैं। दूसरी पंक्ति हनुमान जी ने लिखी, बोले क्या? बोले जे राखे रघुवीर ते उबरहित ही काल मा। जिनको राम जी ने बचा लिया वो निकल गए, और जिनने राम जी के चरण नहीं पकड़े वो काम के चक्कर में पड़ गए। जे राखे रघुवीर ते उबरहित ही काल मा। तो हमें तो काम से कौन बचाए? बोले राम ही बचाए। काम से बचाने का काम तो केवल राम कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कामदेव को अभिमान है। नारद जी से भेंट होती है, नारद जी इसकी ओर देखना पसंद नहीं करते हैं। कामदेव ने कहा हारे हुए से हम लड़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई वीर बता दो जिससे हम लड़े। बोले तब नारद काम इतना अभिमान क्यों, तुमने सुना नहीं श्री कृष्ण के नाम को। सुना है कि नहीं? तुमने सुना तो है, जाओ उनसे लड़ो। कहां है पता बताओ, नोट कर लो। भारत के मध्य मथुरापुरी के अंतर्गत सीधे चले जाना तुम वृंदावन धाम को। कदम के नीचे खड़े वंशी बजाते मिले मानो मैं तुम्हें जब जीतो घनश्याम को। उनको जीतो तम मानो। कामदेव आया है भगवान वंशी लेकर के बजाते हैं। जो वंशी बजाई, ये वंशी का कौन सा स्वर है? पंचम स्वर है, ये विशुद्ध माधुर्य भाव का स्वर है। और ये कैसा है? सुंदर भगवान ने बांसुरी वादन किया है।
वशी चशी करने धातु से वंशी शब्द निष्पन्न होता है, वश में कर दे। कामदेव ने चरणों प्रणाम किया, भगवान ने कहा ओ कामदेव तुम आए, आहा कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु लड़ने आया हूं, युद्ध करने आपसे आया हूं। भगवान बोले कामदेव और कोई मिला नहीं, हम 7 साल के बालक से युद्ध करने आए हो, और जाओ। बोले प्रभु सबको जीत लिया है मैंने, सबको जीत लिया। बोले हाँ, इंद्र को मैंने जीता, ब्रह्मा को मैंने जीता, कहां तक कहूं शंकर को भी मैंने जीता। मोहिनी के पीछे भागे थे, मैंने सबको जीता है, अब लड़ने वाला कोई नहीं, तो हम मिले। बोले आपसे लड़ने आए, आप भी तो भगवान है, आपको पराजित करना। भगवान बोले मन ही मन में कि कामदेव अब तक एक्टर्स से भिड़े हो, डायरेक्टर से नहीं, अब तक अवतारों से भिड़ाई हुई है, अवतारी से नहीं। एते चांस कला पुंसह कृष्णस्त भगवान स्वयं। महाराज भगवान के 3 अवतार होते हैं, 1 अवतार अंशावतार, 1 अवतार कला अवतार, 1 अवतार पूर्ण अवतार। ये 3 तरह के अवतार हैं भगवान के, कैटेगरी है। अंश अवतार में कई अवतार हैं, कला अवतार में कई अवतार हैं, पूर्ण अवतार में हम ब्रजवासी तो 1 मानते हैं, लेकिन अयोध्या वाले 2 मानते हैं। अंश अवतार किसे कहते हैं? अंश शक्ति समावेश। अंश अवतार वो है जिसमें युद्ध मार काट ज्यादा होती है, जैसे नरसिंह अवतार, जैसे वराह अवतार, ये सब अंश अवतार में है। कला ज्ञान प्रबोधिनी, कला अवतार ज्ञान अवतार है, जैसे भगवान कपिल अवतार, ऋषभदेव अवतार, एक ज्ञान अवतार है आदि। लेकिन पूर्ण अवतार जिसमें ज्ञान भी परिपूर्ण और युद्ध कला कौशल भी परिपूर्ण भाव, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कर दिया तो ज्ञान भी दे दिया और फिर युद्ध भी कराया। ज्ञान और युद्ध परस्पर, ये पूर्ण अवतार। इसलिए एते चांस कला पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन यहीं पर अयोध्या वाले कहते हैं महाराज क्या बात कर दी आपने, अरे एते चांस कला पुंसह रामस्तु भगवान स्वयं, राम भी भगवान है, परिपूर्ण अवतार है राम जी का। तो हम इसमें आपत्ति नहीं करते, क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं विशेष, एक के नयन गंभीर हैं और एक के चपल विशेष, इतना ही अंतर है। राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं। अगर महाराज श्री कृष्ण ने किया तो रघुनंदन राम ने भी किया है। देखो अब हमें तो एक हनुमान जी भी सखी भाव से प्रकट हुए हैं, जैसे शंकर जी गोपी भाव से प्रकट हुए। अब हमें सखी का नाम स्मरण नहीं आ रहा, संभवतः चापर नाम है, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। हनुमान जी भी सखी भाव से प्रकट हुए हैं, और जो रास रघुनंदन राम ने किया है वह चित्रकूट की पावन भूमि पर किया है, और भगवान कृष्ण ने जो महारास किया है ये वृंदावन की पावन भूमि पर किया है। महारास का मतलब श्रृंगार रस नहीं, महारास का मतलब विशुद्ध माधुर्य भाव। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इसमें काम लेश भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कामदेव युद्ध तो करेंगे, बताओ कौन सी लड़ाई लड़ने की इच्छा तुम्हारे मन में है? बोले कोई 10-20 तरह के युद्ध होते हैं। बोले 2 तरह के युद्ध हैं, 2 तरह की लड़ाई है, एक किले की लड़ाई, एक मैदान की लड़ाई। किले की लड़ाई में क्या है? आपके राजस्थान में तो किले बहुत हैं, किलाबंदी होती है, दरवाजे बंद, सब बंद, और भीतर राज दरबार राज परिवार सुरक्षित। किले को भेदना कठिन है, सरल नहीं।
क्योंकि ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मजबूत द्वार हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं। तो किले का द्वार, किले की लड़ाई कौन सी, नेत्र बंद करके मैं बैठ जाऊं, आंख का दरवाजा भी बंद, कान की, कान का भी दरवाजा बंद, इंद्रियों को कच्छप के समान अंतर्मुख कर लूं, तो सब तरह से सुरक्षित के नहीं। और फिर मेरी ओर चारों ओर सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य कर लें, इसका नाम है किले की लड़ाई। अच्छा, और मैदान की, मैदान में तो सारी इंद्रियां खुली हैं, बहिर्मुख हो गए हम, अब अंतर्मुख नहीं रहे। फिर तो हाथ से हाथ लगे, छाती से छाती लगे, मुख से मुख लगे, लेकिन उसके बाद भी उनके सौंदर्य का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका नाम मैदान की लड़ाई, खुल्लम खुल्ला। तो कामदेव ने कहा फिर लड़े तो मैदान की ही लड़े, किले में क्या रखा है, खुलकर मैदान में आओ तब बात करेंगे। भगवान ने कहा स्वीकार है, कब, आज ही रात को। नेक काम में देरी क्यों कामदेव, आज रात। हाँ हाँ आज रात। स्थान, वेन्यू, बोले यमुना का पुलिन पावन तट। समय रात्रि के 12 बजे मिलते हैं आपसे, बंशी भट्ट, स्थान निश्चित कर दिया। अब तो महाराज क्या कहना, भगवान मैया के पास गए, कहा मैया, बोले हाँ लाला। अब मैया मैं आज सो रहे हूं, मुझे जगइयो मत। मैया के पास जाके अलग कमरे में सोया आज ठाकुर, प्रणाम करके मैया को। ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान ने खिड़की खोली, आकाश की ओर देखा, सुंदर पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी का जो चंद्रमा होता है, और जो चंद्रमा को देखा तो भगवान को श्री राशेश्वरी राधा रानी की याद आ गई। बोले क्यों आ गई चंद्रमा को देखकर राधा की याद, क्योंकि चंद्रमुखी है राधा। बोले ये बात ही नहीं है, बात और भी है। बोले क्या बात है, बोले बात यह है कि साले को देख करके घरवाली की याद आ जाती है। हाँ, साले की शक्ल मिलती है घरवाली से, तो साले को देखकर घरवाली की याद आ जाती है। तो चंद्रमा कौन है, बोले भगवान का साला है। बोले कैसे साला है, बोले लक्ष्मी भी निकली है समुद्र से और चंद्रमा भी निकला है समुद्र से, एक ही गर्भ से निकलने के कारण चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों भाई बहन हो गए। और अगर लक्ष्मी भगवान की पत्नी हमारी माता है तो चंद्रमा हमारी माता का भाई, हमारा मामा है, इसलिए हम लोग बड़े प्रेम से कहते चंदा मामा, चंदा मामा। सूरज मामा नहीं कहते, चंदा मामा कहते हैं। और बचपन से सुनते आ रहे हैं चंदा मामा की कहानियां, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि चंदा मामा हो कैसे गया, ऐसे हो गया। और महाराज भगवान ने लेकर के बांसुरी राधा को पुकारा है, राधा रानी उठी बंशी को सुनकर के, राधे आओ, महाराज को समय है गए। और अब ये पूर्ण लीला होने जाएगी, लेकिन आपके बिना अधूरी है। राधा रानी दरवाजे तक आ गई, रुक गई, आगे नहीं गई। बोले क्यों, एक बार में बुलावे और चले जाए तो इज्जत नहीं रहती, हमारा भी अपना सम्मान है। भगवान बोले राधे तुमको बुलाने के लिए तो जन्म जन्म बांसुरी बजाने को तैयार हूं, वंशी बजाने को तैयार हूं। भगवान ने पुनः वंशी वादन किया, अब तो राधा दौड़ी चली आई और पुनः वेणु बजाई भगवान ने। देखो भैया, वंशी अलग है, वेणु अलग है, मुरली अलग है, तीनों के अलग अलग भाव हैं। वंशी, वेणु, मुरली तीनों एक नहीं है। वंशी क्या है, मुरली क्या है, बोले वंशी 17 उंगल तो लंबी होती है, वंशी का आकार 17 उंगल अंगुल लंबी होती है वंशी, और इसमें 9 छिद्र होते हैं और 1 अंगुल मोटी होती है, ये वंशी। और वेणु क्या है,
बोले वेणु 16 उंगल लंबी होती है, 16 अंगुल लंबी, और इसमें 7 छिद्र होते हैं लेकिन ये भी 1 अंगुल मोटी है। वंशी में 9 छिद्र हैं और वेणु में 7 छिद्र हैं। वंशी 17 उंगल लंबी है, वेणु 16 उंगल लंबी है, लेकिन वेणु और वंशी 1 अंगुल मोटी है। और मुरली 18 उंगल लंबी है, 18 अंगुल, इसमें केवल 4 छिद्र हैं मुरली में, और ये ऊपर से मोटी है और नीचे से पतली है, इसका नाम है मुरली। तीनों में अंतर है। माला किसे कहते हैं विचार करो, ये पहनाई ये माला है नहीं है, इसका नाम है केवल पुष्पहार, ये माला नहीं है। माला किसे कहते हैं, बोले जो घुटनों से नीचे आती है उसे माला कहते हैं। आपाद लंबनी माला, आपने तिरुपति बालाजी में देखा होगा माला कितनी लंबी रहती है, और भी कई विग्रह हैं जहां माला बिल्कुल, माला उसी को कहते हैं जो घुटने से नीचे आ रही है, उसका नाम माला है, बाकी तो पुष्पहार है। आपाद लंबनी माला, महाराज रास के बिना कभी भगवान की पूर्णता नहीं होती। जैन धर्म में भी यदि पढ़ेंगे तो वहां भी रास तत्व का वर्णन है, जैन धर्म में भी। हमने कुछ कुछ गुरु कृपा से अलग अलग ग्रंथों के कुछ अध्ययन हमने किए, क्योंकि जैन परिवार में भी कथा हमने की है, तो जैन परिवार में कथा की है तो जैन धर्मों के ग्रंथों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हमारे शास्त्रों की जैन धर्म में कहां कहां चर्चा है। तो उसमें पढ़ने पर पता चला कि जैन धर्म में भी रास शब्द से ग्रंथ लिखे हुए हैं। जैन धर्म का एक ग्रंथ है रास नाम से, उसका नाम है जम्बू स्वामी रास, जम्बू स्वामी, और एक है जीर्णोद्धार, मंदिरों के जीर्णोद्धार के समय पर उस ग्रंथ का नाम है रेवंत गिरी रास, ये जैन धर्म में ग्रंथ। रास का मतलब क्या है, रस कहते हैं श्री कृष्ण को, जो मैंने कथा में बीच में कहा सरस योग और रसाभास, रस कहते हैं श्री कृष्ण को, रस कहते हैं श्री राम को, रस माने भगवान, और वो एक ही रस, क्योंकि भगवान तो एक ही है, भगवान तो एक ही, वो एक ही रस जब विभिन्न विभिन्न प्राणियों में घूमता है और जब वो मिलते हैं उसका नाम रास है।